तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे आइलैंड की जो आइलैंड आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, क्योंकि इस आइलैंड पे खजाना छिपा हुआ है, जैसे कि डायमंड, आयरन, गोल्ड, ये सभी चीजें आपको मिल सकती है अगर आप इस आइलैंड पे जाके माइनिंग करते हो तो। बट इस आइलैंड पे कोई भी लोग माइनिंग करने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है इस आइलैंड पे एक भूत रहता है। पर एक दिन एक माइनिंग कंपनी जिसका नाम है चार्ली माइनिंग कंपनी, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग जाएगी इस आइलैंड पे और इस आइलैंड के ऊपर जितना भी सोना, चांदी, डायमंड, जितनी भी चीजें वो सभी माइनिंग करेंगे, निकालेंगे और पैसे कमाएंगे। और होता कुछ ऐसा ही है, ये चार्ली माइनिंग कंपनी यहाँ पे आती है, माइनिंग करना स्टार्ट करती है, ढेर सारा पैसा भी कमा लेती है। बट जैसे मैंने बोला था कि ये आइलैंड एक भूतिया आइलैंड है, तो यहाँ पे टाइम जाते जाते भूतिया हरकतें भी होना स्टार्ट हो चुका था और चार्ल्स कंपनी का ही एक ट्रेन इंजिन कन्वर्ट हो चुका था चू चू चार्ल्स। ये लोगों को निगल के खाने लगा था और लोगों की जान लेने लगा था, और ये लोग कोई और नहीं थे, चार्ल्स कंपनी के ही एम्प्लॉय थे। और इसी वजह से चार्ल्स कंपनी कर्जे में डूब गई और एक टाइम आ चुका था जहाँ पे चार्ल्स कंपनी एकदम कंगाल हो चुकी थी। बट चार्ल्स माइनिंग कंपनी ने अभी तक हार नहीं मानी है, इनके काफी सारे एम्प्लॉयज अभी भी इस भूतिया आइलैंड पे रहते हैं और वेट कर रहे हैं चूचू चार्ल्स को मारने का, ताकि ये लोग वापिस से यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करके पैसे कमा सके और अपनी कंगाली को दूर कर सके। और इसीलिए चार्ल्स कंपनी के एक मेंबर जिसका नाम यूजिन है, उसने हमें कांटेक्ट किया है यहाँ पे चूचू चार्ल्स को भगाने के लिए। ऐसा समझो कि हम एक तांत्रिक है जो कि चूचू चार्ल्स जो एक ट्रेन इंजिन है उसको मारने के लिए आए हैं। तो क्या हम लोग मार पाएंगे, यह है सवाल। और इसी के साथ हम लोग जाएंगे अभी सीधा गेम में। चलो फिर हमें इसके पीछे जाना है, ये कहाँ पे लेके जाएगा देखते हैं। और हाँ, मैं हूँ तांत्रिक अज्जू भाई, आज मैं तांत्रिक बनाऊ भूत को भगाने वाला। अब इसके पीछे जाके अपन लोग देखते हैं क्या करवाने वाला है हमें। ये एरिया में भूत है, मतलब एक चूचू चार्ल्स करके एक ट्रेन है जो हाफ स्पाइडर है, उसे टपकाना है, जो कि तुम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही सुना होगा। इसका नाम यूजिन है गाइस, ये जो मैं बातचीत कर रहा था ना यूजिन की, ये यूजिन है जो चार्ल्स कंपनी में आई थिंक काम करता है, इससे बातचीत कर लेते हैं। ओके, ये बोल रहा है कि इसने बोला कि ये क्या कर सकते हैं, ये तो दरवाजा बंद है, ये लॉक है ऐसा। There's a small shack up the path that might have a key inside. Okay. Take this map, I just marked the location on it. See if the key is up there, and I'll look around some more down here. ये दरवाजा हमें ओपन करना है, बट ये दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है। तो इसने बोला कि अरे क्या कर सकते हैं, ये तो दरवाजा लॉक है, हम दूसरा रास्ता निकालते हैं। और इसने मुझे एक मैप दिया है, मैप में ये वाली जगह पे हमें जाना है। अच्छा, इसको मार्क कर लेते हैं। मार्क हो गया ना, देखने दो, 50 मीटर की दूरी पे है ये। क्या बोले, आ जाओ। यहाँ पे हमें मिलने वाला है उस दरवाजे का चाबी, और चाबी मिलने के बाद हम वो दरवाजा ओपन कर सकते हैं। दरवाजे के पीछे क्या है वो हमें पता लगेगा, बट पहले चाबी चाहिए। चाबी कहाँ डाले हो, ये रहा चाबी, ये खराब जोक था मेरे को पता है। जगह तो मस्त है भाई, एकदम डरावना फील भी आ रहा है, पता है जगह को देख के ही लग रहा है कि नहीं ये डरावनी जगह है। Good on you. Looks like you found it. Open up that door and lead the way. ये दरवाजा ओपन करो, ऐसा बोला। ओके, ये आई थिंक भूतिया जो इंजन है यही है क्या, मेरे ख्याल से ये भूतिया नहीं लग रहा है मेरे को। एक मिनट, इससे बातचीत करते हैं। That's what I'm talking about. क्या बातचीत कर रहा है? But a goodie. I'm going to inspect the train's exterior. Okay. Why don't you take a peek inside? See what we got to work with. Done. तो इसने बोला कि ये जो ट्रेन का इंजन है हमारा है, मतलब ये ट्रेन जो है वो हमारी ट्रेन है, ये पुरानी है बट बहुत बढ़िया है, ऐसा इसने कहा है। और उसके अलावा अब मेरे को ये डर है कि ये जो मेरे को जैसा दिखा था पहले मॉन्स्टर, अपना चूचू चार्ल्स का इंजन दिखा था, उसके मुकाबले तो बहुत घटिया है। तो क्या ये ट्रेन लेके मैं वो चूचू चार्ल्स को मार पाऊंगा? अब ये मेरे को बोला तो है, अंदर जाके तुम चेक कर लो। हम लोग इस ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन भाई, ये क्या है? एक मिनट रुको, समझ गया मैं क्या है ये। उसके अलावा ओ गन, एक मिनट, अरे वाह, ये गन है, इसे दिख रहा है सबको। तो ये गन से हम लोग आई थिंक चार्ल्स के ऊपर हमला करने वाले हैं। तो ये ट्रेन मेरे को काफ़ी सही लगी है दिखने में तो, क्योंकि वेपन वगैरह भी है तो ठीक है। ये भाई साहब इधर आ चुके हैं, यूजिन भाई साहब, इससे बातचीत कर लेते हैं। Exterior is a little rough, but everything looks to be intact.
That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. Okay. तो इसने बोला कि इसमें जो गन है जब ये यहाँ पे आया था तब नहीं थी, तो इसने आई थिंक डाली होगी ये गन इसमें, फिट करी होगी और इसे यूज करने में तुम्हें मजा आएगा, ये सब बोला। Charles with it and take him down before he even sees us coming. Are you ready to take this thing for a spin? बिल्कुल। तो एक मिनट रुको, ये क्या है? अपग्रेड जीरो कार्प्स। ओके, ये कार्प्स ही बोलेगे ना, रीड तो कार्प्स ही होगा। ये स्पीड डेमेज और आर्मर, मैं समझ गया, हम लोग ट्रेन को अपग्रेड कर सकते हैं कार्प से, बट ये कार्प हमें मिलेंगे कहाँ से वो सवाल है, क्योंकि मेरे पास अभी जीरो कार्प है, तो आई थिंक ये मेरे को देखना पड़ेगा ये कार्प कहाँ पे मिलेंगे, क्या इसका मतलब हम लोग करेंगे, मतलब करेंगे वो तो मेरे को पता, बट मिलेंगे कहाँ से। आ जाओ, और ये ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए ग्रीन वाला होगा। अरे यार लंका भिंडी, ये क्या हुआ? खुश मत हो जा। भाई नहीं 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 नहीं, अरे यार गन 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 बिगड़ गया। अरे छी भाई, लगा 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 गोली लगा है। ओ क्या हुआ है, यूजिन गया क्या? एक मिनट, यूजिन मर गया क्या? This is where you were supposed to end. I thought we could still fight like the old days. Yes, sir. Easy in, easy out. You don't need to. भाई ये मर रहा है, ये कुछ कह रहा है, मेरे को सुनने दो, मैं थोड़ी देर रुको। Find the egg. Okay. तो यूजिन जो हमारे साथ आया था ये मर चुका है, इसको आई थिंक पता नहीं, बट उसने मारा कि मेरी गलती से गोली इसको लग गई, मेरे को ये नहीं समझा है। अगर ये हमारी बंदूक की गोली से मरा है तो भाई दिक्कत वाली बात है, हमने इसका मर्डर किया है ऐसा बोल सकते हैं। और उसके अलावा इसने बोला है कि तुम अंडे को ढूंढो, और उसके अलावा इसके बच्चे को ढूंढना है कि मेरे बच्चे को तुम ढूंढो। अभी अंडे क्या है, इसका बच्चा कौन है, वो तो हमें थोड़ी देर में पता लगेगा ही लगेगा, बट मैंने जो गेम 800 रुपीस में ख़रीदा था वो पैसे वसूल हो गए, क्योंकि एक कैरेक्टर को मैंने मार भी दिया है, तो खराब जोक था, बट ठीक है। आ जाओ, किसी के मरने पे हंसी आए ना तो हंसने का नहीं। मेरे को देखने दो, मैप में कुछ मिला क्या? मेरे को लगा कार्स मिलेगा, बट कार्स मिला नहीं है। मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ ना कार्प का? मेरे को पता नहीं, मेरे से इंग्लिश प्रोनाउंस बहुत वीक होते हैं। ट्रेन मैंने चालू कर दिया है, अभी मैप ओपन करने दो, मैप में मेरे को देखना पड़ेगा। अरे बढ़िया है, तो हम लोगों को यहाँ पे जाना है। ये ऑप्शनल मिशन है, ए बी ऑप्शनल मिशन है, ए बी ऑप्शनल मिशन है। अगर हम लोग ये मिशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। बट ये जो ब्लू और रेड, ये आई थिंक जरूरी मिशन है, ये दोनों को तो करना ही पड़ेगा। तो जो ये वाले मिशन है ना, ये येलो रंग में, वो सभी ऑप्शनल है, बट एक ग्रीन और ब्लू नहीं, ये रेड और ब्लू वाले रिक्वायर है, मतलब उसको तो हमें करना ही पड़ेगा, वो मिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम लोग ट्रेन को यहाँ पे लेके आने वाले हैं, यहाँ पे जाएंगे, चलो देखते हैं, यहाँ पे पहले जाएंगे हम लोग। सही है, ये सामने क्या है? अच्छा, अगर हमको ट्रेन स्विच करना है तो ट्रेन स्विच भी कर सकते हैं। ये अच्छा लगा मेरे को भाई, बहुत बढ़िया है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अभी इसको रोकना पड़ेगा, रोक देते हैं ट्रेन को। और यहाँ पे कोई भाई साहब बैठे हुए हैं, आई थिंक ये चार्ल्स कंपनी का एम्प्लॉई होगा, इससे बातचीत करके देखते हैं। तो जो ये वॉरेन चार्ल्स है उसका कंपनी है, चार्ल्स माइनिंग कंपनी, और वॉरेन चार्ल्स और ये चूचू चार्ल्स दोनों ने इन लोगों को परेशान करके रखा है, उनके ही एम्प्लॉय को इन लोगों ने परेशान करके रखा है। और यूजिन ने इसको बताया था कि वो बुलाने वाला है किसी से, तो इसने सीधा यही बोला कि यूजिन ने जो बोला था वहीं तुम मेरे को लग रहे हो दिखने में, तो हाँ भाई हम ही है वो तांत्रिक। चलो, इसने मुद्दे की बात करी है, इसका नाम टोनी है, और टोनी ने बोला है कि तुम अगर चार्ल्स को मारना चाहते हो तो तुम्हें कोई अपग्रेड चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी,
और ये आई थिंक कार्प्स भी बात कर रहा है, जो कार्प्स हमें चाहिए उसकी बातचीत कर रहा है। There are some metal scraps in my barn that you could use to improve it. तो फाइनली इसने कहा है कि इसके पास मेटल स्क्रैप्स है जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी इंप्रूव करने के लिए। चलो चलो, मेरे को समझ गया क्या करना है। इसने मार्क करके दिया है मैप पे लूट टोनी, ये क्या है, लूट टोनी बंड। ओके, इसने इसका की भी हमें दिया है कि ये लो चाबी, तुम जाओ वहां से जो भी चीजें तुम्हें चाहिए वो ले लो। मतलब एक्स्ट्रा चीजें जो स्कार्प हमें चाहिए ना, वो स्कार्प हमें वहां से मिलने वाले हैं। 96 मीटर दूर है तो ट्रेन लेके जाना तो कोई मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा, बट ट्रेन लेके ही जाएंगे। वैसे भी हमें यहाँ से ना, ओए सॉरी एक मिनट, येलो से पीछे जाएगा ये पीले रंग की जो लाइन है ना, अगर इसको हम गिरा देंगे तो ये ट्रेन पीछे जाएगी। देखो गई तो नहीं, गई गई, देखो। चलो ये एक नई चीज़ हमें पता लगी है, अभी ये ग्रीन वाली चीज़ को ऊपर कर देते हैं और निकलते हैं। मेरी ट्रेन का हेल्थ आई थिंक ख़राब हो चुका है, मतलब ये रिपेयर करना पड़ेगा ट्रेन को। एक कार से हमारा ट्रेन रिपेयर हो जाएगा आई थिंक, हमें रुकना चाहिए। उल्टा हम लोग आगे आ गए भाई, जहाँ से जाना था उससे आगे आ गए, अभी चल के ही जाते हैं, छोड़ो। हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस वजह से। अब यहाँ से हमें मिलने वाले हैं मेटल स्कैर्प्स, जो कि स्कार्प जिससे हम लोग ट्रेन अपग्रेड कर सकते हैं, स्कैर्प कार्प जो भी नाम है इसका। दरवाज़ा ओपन हो चुका है भाई, एकदम डरावना साउंड है। ये चीज़ ये क्या, हाँ ये है स्कार्प, ये रहा एक और स्कार्प, अभी है क्या एक और स्कार्प। भाई हमारे पास काफ़ी स्कार्प आ चुके हैं, ये तो अच्छा है भाई, बढ़िया चीज़ है। तो ये भी उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं। ये क्या है, यूजिन ने कुछ लिखा हुआ है, नहीं ये सब रीड नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा ये। नहीं 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 नहीं, हम लोग वहाँ से गिरने वाले थे, मैंने गलती से छलांग मार दिया था। दरवाज़ा बंद कर सकते क्या वापस से, नहीं चलो आ जाओ, हम लोग वापस बैठने वाले हैं ट्रेन में। तो अभी के लिए हम लोगों ने एक साइड मिशन तो कम्प्लीट कर लिया है, ये अच्छा मिशन था। मतलब हम गए वहाँ से स्कार्प लिए, स्कार्प हमें काम लगने वाले हैं ट्रेन को अपग्रेड करने में, तो अभी तक चीज़ें तो सही जा रही है। ट्रेन को चलाना स्टार्ट कर देते हैं, अभी हमें जाना है यहाँ पे, ये भी ऑप्शनल मिशन है, नहीं कोई लफड़ा नहीं है। इसको ओपन करते हैं, अच्छा पीछे चली गई वो जगह, रोको ट्रेन को, रोको भाई ट्रेन को रोको। हम लोगों को ना जो भी चीज़ कोई भी जगह पर जाना है तो वो जगह को पहले से ही मार्क करके रखेंगे भाई, क्योंकि लफड़ा हो जाता है फिर। 111 मीटर दूर चला गया है, ट्रेन इतनी भी फास्ट नहीं थी कि वो मतलब तुरंत ही कहीं पे जा सके। अब मेरे को ये नहीं समझ रहा है कि चार्ल्स कब आएगा, चार्ल्स कभी भी आ सकता है ना, ये अजीब है। बट ठीक है भाई, अगर चार्ल्स ने हमला कर दिया तो हम मर जाएंगे। ए ये लड़की तो डरी हुई है। आई नीड माई पिकल, ओके jar of pickles locked away inside my pickle cave. My secret jar of pickles. ये सब बोला इसने। I would have gotten them hours ago, but I lost my pickle cave. Pickle cave. Someone else on the island might have some locked pickles. I mean, locked picks. And if you can bring me my special jar of pickles, I'll give you all the scrap metal I have as a reward. भगवान जाने है कैसी लड़की है भाई, अजीब ही है, बहुत अजीब लड़की है। इधर कहीं पे स्कार्प नहीं पड़े हुए ना बहन, कार्प से कि नहीं तुम्हारे पास, ये रहा कार्प, जो चीज हमें चाहिए थी वो मिल जाए, बहुत है। एक और कार्प मिल गया है, अब इसको कोई पिकल बिकल चाहिए। मैप ओपन करके देखेगी इसने क्या लोकेशन मार्क करके दिया है, वहां पे जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी। बट ये लड़की बहुत अजीब बोलने में बोल रही थी, ओही यहाँ पे जाना है क्या, वो तो बहुत दूर पड़ जाएगा, आ जाओ। फिर भी जाना तो पड़ेगा क्योंकि हम लोग लड़की लोगों का मदद करते हैं, बट सच बताओ ना तो ठीक है आ जाओ। 44 मीटर दूरी अभी हमारी रही है ये वाली जगह से, ये जगह कौन सी है भाई, ये कहाँ आए हम, अच्छा ये इसकी बात कर रही थी क्या, नहीं यार ये पेटी तो मैं उठा ही नहीं पा रहा हूँ। देखो ये लड़की कौन सी चीज़ की बात कर रही थी, इसकी क्या, पिकल पिकल पिक पिक पिकल 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 पिक पिक पिकल। यार ये औरत लोग यार, वुमन लोग यार कुछ भी करते हैं भाई, ये क्या है मतलब, पिकल 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 पिक पिक पिकल, ठीक है बहन। बड़ी अजीब औरत थी नहीं वो,
मैं सच्चे बोल रहा हूँ, अभी मेरे को मेरी ट्रेन के पास जाने दो। ये डरावना आवाज आ रहा है भाई, ये अपना ही ट्रेन है। हाँ, मैं जो तुम्हें बोल रहा था वो चीज़ ऐसा था कि अभी मैं बहुत सारे मिशन करने वाला हूँ, जो साइड मिशन है, ऑप्शनल मिशन, जो बातचीत करते हैं ना हम लोग, ये वाले ऑप्शनल, ये सभी ऑप्शनल मिशन ये कंप्लीट करने वाला हूँ, बट तुम लोगों को मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। हम लोग जो मेन मिशन है ना, ये ब्लू वाला, रेड वाला, वो करने वाले हैं। तो अभी ट्रेन लेके फटाफट से हम लोग ये सभी मिशन कंप्लीट करते हैं और ये रेड ब्लू वाला सीधा मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, तो आ जाओ। तो फिर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ये वाले दो मेन मिशन, यहाँ पे मैं अभी आया हूँ। तो पहले ब्लू वाला मेन मिशन जो है इसे कंप्लीट करेंगे और बाद में वो रेड वाला, तो बातचीत करके देखते हैं। अच्छा, स्कार्प मिल चुका है मेरे को, और मैंने ज़्यादातर जो भी ऑप्शनल टास्क थे ना, जो मतलब तुम करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एक था, यहाँ पे था, ये सभी मैंने कर दिए है। देखो यहाँ से ही तो ट्रेन निकला था, यहाँ से ट्रेन गया था, फिर यहाँ मैं गया, यहाँ गया, ये सभी चीज़ें मैंने कर दी। बस एक ए वाला बाकी रह गया है टास्क, इसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, और बाकी यहाँ पे भी मैंने ये दोनों कर दिए है। अभी ये ऑप्शनल टास्क कंप्लीट करने क्यों जरूरी है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को चाहिए स्कार्प, और कार्प समय मिलेगी वहाँ पे जहाँ पे ऑप्शनल टास्क है, तो वहाँ पे इसलिए मैं जाता हूँ ताकि मेरे को कार्प मिले और मैं कार्प से अपनी जो ये रेल है मतलब इंजन को अपग्रेड कर सकूँ, क्योंकि मेरे को चार्ल्स को मारना है। अगर मेरा इंजन अपग्रेड नहीं होगा तो फिर तो लंका लग गई, मान लो भाई, गन का डैमेज ना आएगा ना फिर ये सही से चलेगा, तो इस वजह से हमें करना पड़ेगा। तो अभी इस लड़की से हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ये मेन मिशन है। The monster hunter has arrived, I see. बिल्कुल, हेलेन, इसका नाम हेलेन है। This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. ये करी ना आपने सही वाली बात। देखो, इन लोगों ने भी चार्ल्स से फाइट करने का ट्राई किया है बट कोई फायदा नहीं हुआ है, और इसने अभी कहा है कि हम लोगों के पास एक रास्ता है जिससे हम लोग चार्ल्स को खुद फाइट करने के लिए बुला सकते हैं, मोर्टल फाइट, मतलब उसके अंदर वो मरेगा या जिंदा रहेगा, या मतलब जैसे बोलते हैं करो या मरो का मुकाबला, वैसे ही कोई मुकाबले के लिए हम लोग बुला सकते हैं। कैसे देखते हैं। इसने कहा है कि इस आइलैंड पे तीन अंडे हैं जो कि माइंस में, प्राइमरी माइंस में छिपे हुए हैं। तो आई थिंक वॉरेन चार्ल्स, जो कि चार्ल्स माइनिंग कंपनी का ओनर है, उसने किया होगा। तो ये बोल रही कि प्राइमरी माइंस अभी ये कहाँ मिलेगी वो हमें ढूंढना है, और तीन अंडे हैं जो अपन को वो यूजिन मरते हुए बोल के गया था ना कि फाइंड एग, तो वो वाला सीन है। तो अंडे जो है वो तीन है, ये पता लग चुका है हमें। Is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Okay, इन लोगों का थियरी ये है कि अगर हम वो तीन अंडे ढूंढेंगे और उसको टेम्पल में रखते हैं, टेम्पल में सेंटर ऑफ द आइलैंड, ओके, तो हम लोग प्रवोक कर सकते हैं चार्ल्स को फाइट टू डेथ। तो मैंने सही सुना था, हम लोग प्रवोक करेंगे चार्ल्स को वहाँ पे तीन अंडे रख के, ताकि चार्ल्स फाइट करने के लिए आए। आई थिंक चार्ल्स का अंडों के साथ ऐसा कनेक्शन होगा कि वो चार्ल्स के ही अंडे हो गए, तो जाहिर सी बात है एक माँ अपने अंडे को बचाने के लिए जरूर आएगी, इस टाइप से चीज़ हो सकती है, मेरा मानना ऐसा है, तभी तो वो फाइट करने के लिए आएगी। Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. हाँ, तो अभी हमारे लिए और मुश्किल होने वाला है। ट्रेन तो अपग्रेड करके हम लोग चार्ल्स से फाइट कर सकते हैं, बट वॉरेन चार्ल्स जो एक इंसान है, इससे हम लोग कैसे फाइट करेंगे, क्योंकि इसने गार्ड रखे हुए हैं अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट नहीं, मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लोग अंडे को। अब वो क्यों करना चाहते हैं मेरे को नहीं पता है, बट वॉरेन चार्ल्स ही ये अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे लोग रख के गया है। क्या बात, देयर इज एन एग इन द माइन जस्ट डाउन द रेल। समझ गया। तो यहाँ पे इसने कहा है कि वॉरेन चार्ल्स थर्ड है, उसने माइन में जो अंडे है उसको सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को रखा हुआ है। उसने लिटरली अंडों को बचाने के लिए लोगों की फौज वहाँ पे रखी हुई है। अब ये काम थोड़ा और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हम लोग चार्ल्स से तो फाइट कर लेगी ट्रेन वगैरह अपग्रेड करके, बट एक इंसान से कैसे फाइट करेगा भाई, अलग ही लेवल पे है। ओके, ये क्या बोल रहे, माइन जस्ट डाउन द रेल। ओके, समझ गया। माइन, आई हैव मार्क्ड द एंट्रेंस ऑन योर मैप। समझ गया, इसने हमें एक माइन की चाबी दी है और इसने मार्क करके दिया है कि माइन कहाँ पे है। माइन यहाँ पे है, हम लोग अभी यहाँ जाने वाले हैं माइन में, और एक अंडा ढूंढेंगे, एक दो तीन जो भी अंडे वहाँ से मिलेंगे वो ढूंढने हैं। दरवाजा ओपन काहे नहीं हो रहा है, मेरे को स्कार्प चाहिए यार। यहाँ तक आने के बाद अगर स्कार्प नहीं मिलेगा ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। चलो ठीक है,
एक और कार्स मिल चुका है, अभी यहाँ से हम लोग निकल लेंगे। बाय द वे, जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। वहाँ पे कोई लाइटिंग चल रही है? नहीं, आग लगी हुई है वहाँ पे, ऐसा लग रहा है मेरे को। आ जाओ, देखते हैं भाई क्या सीन है वहाँ पे। और मैंने 33 स्कार्प कलेक्ट किए हैं ये सभी साइड मिशन को कंप्लीट करके, ये जितने भी है, एक दो बचे हो गए, ये वाला बचा है। यहाँ पे तो सभी बचे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी है वो सभी बचे हुए हैं, एक तो ये बचा हुआ है, इसको भी करेंगे। अब पहले तो ट्रेन वगैरह अपग्रेड कर लेते हैं, स्पीड डैमेज बढ़ा लेते हैं ट्रेन में। चलो डैमेज बाद में करेंगे, मेरे को स्पीड चाहिए भाई, ट्रेन फास्ट भागना चाहिए, बाकी डैमेज वगैरह तो देख लेंगे। ओ ब्रो, हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, पहले हम लोगों के रेड वाले से बातचीत करनी थी, फिर यहाँ पे जाना था। चलो पीछे जाते हैं और क्या। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें आना चाहिए था, पहले यहाँ पे आना ज़रूरी था, मैंने मार्क नहीं किया था ना, इसलिए मैं आगे चला गया। अब यहाँ पे लगी हुई है आग, हमने सामने दूर से ही देखा था। ओ भाई, इससे बातचीत करते हैं। इसने फ्लेम थ्रोवर बनाने का ट्राई किया था स्पाइडर ट्रेन पे, डिफेंस प्लान हो के, स्पाइडर ट्रेन होम डिफेंस प्लान, मेरे को समझ नहीं रहा है क्यों ये कर रहा है चीज। If a flamethrower somehow still works after the fire dies down, well, I'd assume you're the monster hunter that folks have been expecting. So weapon like this could come in handy. समझ गया। अब ये भाई साहब ने जो हरकत करी है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसने यहाँ पे आग लगा दी है फ्लेम थ्रोवर के चक्कर में। और सबसे बढ़िया बात यह है, गेम डेवलपर इतना पागल है, बारिश हो रही है बट ये वाली चीज आग नहीं बुझ रही है। लिटरली ब्रो, गेम डेवलपर तुम पागल हो क्या? आग कैसे नहीं बुझेगी जब बारिश होगी? बट ठीक है, हमें क्या, ये दरवाज़ा ओपन होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं हो रहा है। स्कार्प उठा लेते हैं, हमें अभी के लिए ये आग को बंद करना है। और ये आग कैसे हम लोग बंद करेंगे देखने दो मेरे को। इधर से हम लोग जाएंगे ऊपर, एक और ये मिल चुका है, देख लेते हैं, एक और स्कार्प पड़ा हुआ है। ये आग को हम लोग कैसे रोके भाई? बारिश से रुक जानी चाहिए। अच्छा बढ़िया, क्या बात है, एक नंबर काम कर दिया हमने। बारिश से आग नहीं बुझ रही थी बट हमने जो ऊपर से पानी नीचे फेंका है उससे आग बुझ गई है। क्या बात है भाई, मज़ेदार, मज़ा आ गया, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। हमारा हेल्थ रिकवर होगा कि नहीं होगा? हो रहा है, हल्के हल्के से हो रहा है। आ जाओ, अभी ट्रेन का स्पीड तो हम लोगों ने काफ़ी अपग्रेड कर ही दिया है, अभी जब हमारे पास कार आएगी तब हम लोग डैमेज जो ये गन देता है उसको बढ़ाएंगे। और 6 स्कार्प होने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है? लेवल 4 to 7 स्कार्प, ओके 7 स्कार्प चाहिए। अच्छा यार, ये तो गलत बात है, 7 स्कार्प हम लोग कहाँ से लाएंगे? ट्रेन को करते हैं स्टार्ट, और अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें अंडा मिलने वाला है। ये प्राइमरी माइंस है, पहली प्राइमरी माइंस है, तो इधर कितने अंडे मिलेंगे मेरे को नहीं पता, बट जाके देखते हैं। और गार्ड से भी मिलेंगे जो प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने रखे हैं, तो उन गार्ड से भी हमारी मुलाकात होने वाली है। ट्रेन को रोक देते हैं यहाँ पे। रुक जा भाई, रुक जा, बस बस हो गया, बस 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 बस, शांति शांति शांति, आ जाओ। एक मिनट, ये जगह कैसी है भाई, ये क्या है? आ जाओ, अभी 29 मीटर दूरी पे। ओके, हम लोगों को माइंस मिल चुका है, पहला माइंस। हमारे पास इसका चाबी था, उस लड़की ने दिया था, तो हम लोग पहले माइंस में आ चुके हैं। देखते हैं क्या है भाई, बहुत तगड़ा माइंस है। तो ये क्या है? ये लेटर कोई पड़ा हुआ है, अर्जेंट लेटर टू मिस्टर वोरेन, ओके, वाइल्ड माइनिंग टनल वी ब्रोक थ्रू वॉल इनटू लार्ज। चलो नहीं रीड करेंगे, ये सब रीड करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से हम लोग जाएंगे क्या? इधर से जाते, आ जाओ। अच्छा है, डब्बा क्या है? डब्बा ओपन करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अभी एक आखिरी बचा है ना, हाँ हो गया। इसमें हमें मिला है पेंट, हम लोग ट्रेन के कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ये पेंट से। अभी तो मेरे को नहीं करना वैसे, सच बताऊँ तो, बट हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, माँ कसम मज़ेदार। आ जाओ, अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे। और भाई ये क्या है, एक मिनट, ओके यहाँ पे, ओह ये क्या है नीचे,
लेट्स गो। ये बत्ती बत्ती लगी हुई है यहाँ पे। उसके अलावा ये मिल गया स्कार। ये क्या था? ए, ओ भाई, निकलो 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 निकलो, अंडा आ गया है, मेरे को अंडा मिल चुका है जो चाहिए था, ग्रीन कलर का। भाई वो कौन था? वो नहीं आ गया, वो वापस आ गया है। भाग ले भाई भाग ले। ए पड़ी, अभी एक और गोली लगेगी ना मैं मर जाऊंगा। निकलो निकलो, लगी नहीं है मेरे ख्याल से, मेरे को गोली पास से गुजर गई, अगर लग जाती वाट लग जाती। निकलो 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 निकलो, वो अभी भी आ रहा है क्या? पीछे आ रहा है क्या? ए नहीं 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 नहीं, निकल भाई निकल यहाँ से, रुक मत, बस जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, यहाँ से सीधा भागो बस, और कुछ मत करो। मैप में एक और काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओ नो, वाट लग गई। भाग ले, ट्रेन चला ट्रेन चला, आ रहा है क्या? ए वो रे, रुक तेरे को बताता है मैं। भाई उसको लगी नहीं गोली हमारी। चलो यार, एक गन भी हीट मार जाती है ना, तो इस वजह से गोली छोड़ना बंद कर देती है, वरना मजा आ जाता। तो अभी हम लोग सीधा जाने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं कौन सा मिशन है वाला। तो भाई साहब, हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, अभी ट्रेन को रोक देना चाहिए, तभी जाके वहाँ पे रुकेगी ट्रेन। 70 मीटर की दूरी है अभी हम लोगों की इस जगह से। आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा जल्दी रोक दिया ट्रेन को, थोड़ा चला देते हैं, अब रोक देते हैं ट्रेन को। लेट्स गो, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक और मिशन कंप्लीट करने के लिए। बट आसपास कार्प, ये रहा एक पहला कार्प, और अभी और भी स्कार्प हो सकते हैं, देखने पड़ेंगे। भाई ये क्या करता है? चलो बातचीत करते हैं। new weapon to help you hunt Charles and using my extensive demolitions experience I made this rocket launcher. ओ भाई, इसने कोई रॉकेट लॉन्चर बनाया है। I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. So building this puppy was a hell of an opportunity. ठीक है। Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker down the rail? हमें कुछ रॉकेट के एम्यूनेशन लेने के लिए भेज रहा है, कोई रॉकेट के लिए इसको चीज चाहिए, वो लेने के लिए बंकर पे भेज रहा है। अब ये बंकर जो है वो रेल बंकर, ओके। बट मेरे को ना आसपास का एरिया पहले चेक करने दो, मेरे को स्कार्प चाहिए, स्कार्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी उठा लेते हैं, और ये पत्र वगैरह पड़ा था, बट मैं पत्र वगैरह रीड नहीं करता हूँ सच बताऊँ तो। अभी एक और मिशन है जो है ये वाला, यहाँ पे पास में ये ब्लू कलर का तुम लोग देख सकते हो, हमें यहाँ पे जाना है। इसने हमें यहाँ पे भेजा है, स्मिथ ने। और एक ये वाला मिशन भी हम लोग अभी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, मेरे को लगता है बाद में इधर आना ना पड़े इसलिए। और कुछ नहीं, दरवाज़ा करते हैं ओपन, ये ओपन नहीं हो रहा है वैसे दरवाज़ा। आसपास का एरिया चेक कर लेते हैं, और ये एरिया तो भाई ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाना पड़ेगा लगता है। ये मिल गया मेरे को एक और स्कार। ये क्या कर रहा है यहाँ पे टकलू? I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। Name's Greg, by the way. तो पहले बोलता है, इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं, बाद में नाम बोलता है। अरे तो क्या बोले यार? Heard already, Warren, the mine boss, is keeping 3 monster eggs locked away. We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. अब समझा मैं। अभी देखो, मेरे दिमाग में भी एक सवाल था, थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोगों को बोला था वो लड़की के साथ बातचीत करते हुए, कि ये वॉरेन चार्ल्स क्यों बचाना चाहते हैं अंडे को। और इसका जो गर्ग या गर्ग जो भी नाम है, ग्रेग है ना, हाँ ग्रेग, इसका भी यही कहना है कि वो भी नहीं समझ पा रहे कि वो अंडे को क्यों बचाना चाहता है वॉरेन चार्ल्स, क्योंकि आगे जाके वो भी चार्ल्स के जैसे राक्षस मॉन्स्टर ही बनेंगे, राक्षस ही बनेंगे। तो मैंने जैसे बोला, अंडे चार्ल्स के हैं और वो अंडों में से दूसरे चार्ल्स निकलेंगे शायद से। We need you to steal all 3 and use them to bait Charles so we can destroy him. हमें 3 अंडे चाहिए जो कि हम लोग टेंपल पे लेके जाएंगे, और वो 3 अंडों से चार्ल्स वहां पे आएगा, वो अंडों को हम वहां पे रखेंगे, तो चार्ल्स वो अंडों को बचाने के लिए आएगा और हम लोग चार्ल्स को मार देंगे। इसका भी यही कहना है, इजी पीजी। One of the eggs is in the north mine. Here's the key to the entrance. तो यहाँ पे एक नॉर्थ माइन में एक और अंडा हमें मिलने वाला है। एक ग्रीन वाला अंडा हमें मिला था एक लड़की ने जो बताया था उस माइन में, अभी नॉर्थ माइन में एक और अंडा हमें मिलने वाला है जिसका चाबी गर्ग ने हमें दिया है, ग्रेग। ठीक भाई,
हम लोग देख लेते हैं भाई, ये माइन बहुत दूर है, मां कसम लिटरली ये माइन कहां पे पता, यहां पे ये माइन है, इसने जो हमें चाबी दी है ना गिर्ग ने, नॉर्थ माइन मिस्ट्री, यहां तक जाना पड़ेगा हमें यहां से, बट उससे पहले हम लोग यहां पे जाने वाले, बाद में वहां पे जाएगी। और मैं चाहता हूँ ये वाला ऑप्शनल मिशन भी कंप्लीट कर लूं, क्योंकि मेरे को अभी स्कैर्प जो स्कार्प आते हैं उसकी जरूरत बहुत है। आ जाओ हम लोग स्कार्प के लिए ये वाला मिशन जो बाकी इसके कंप्लीट करके आते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे साइड मिशन करने के लिए, और मुझे पता इसका प्रोनाउंसिएशन आई थिंक क्रेप्स है, बट मैं इसको स्कार्प क्रेप्स ये सब चीज़ें बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को मन करता है वो मैं चीज़ बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सोच समझ के बोलना है भाई। गेम है जलसा करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे वापस से ऊपर इस वाली साइड पर, देख लेते हैं साइड पर कुछ है कि नहीं है। नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे बंकर है एक आई थिंक छोटा सा, वहाँ पे जाते दो। ओके ये मिल गया एक कार्प और एक और क्रेप्स यहाँ से भी मिल चुका है, बहुत सारे क्रेप्स मिले हैं भाई मेरे को इधर। तो ये क्या है, ये मेरे को नहीं समझा, कुछ तो मिला है, बम वगैरह मिला लगता है, बम जैसा ही लग रहा था दिखने में तो। एक मिनट इन्वेंट्री ओपन करने दो। ये है मेरे पास 11 क्रेप्स, उसके अलावा ग्रीन अंडा, एक माइन का नॉर्थ माइन का की, एक ब्रेकर है ये आई थिंक, ये वही है ठीक है। उसके अलावा ये लोक पिक्स है जो हम लोग चेस्ट वगैरह ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं, ये पता नहीं, और ये डेड फिश है जो कि मेरे को एक्स्ट्रा मिशन करते हुए मिली थी। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं वापस से ऊपर, यहाँ पे अभी देख लेते इस घर के अंदर अभी तक हम लोग नहीं गए हैं। एक और क्रेप्स मुझे यहाँ से मिल चुका है, अभी इस घर में जाके देख लेते कि इस घर में क्या क्या चीज़ें हैं। ये ओपन किया, अब यहाँ पे देखते हैं लड़की, ओए इसको तो पीटा गया है गंदा वाला, बहन किसने पीटा? बिल्कुल क्लियर, हम तुम्हें हेल्प करने के लिए आए हैं। The breakers on the side of the lighthouse need replacing. Lighthouse need replacing, समझा? I was recently attacked by Charles, so I'm unable to do it myself. तो ये लड़की के ऊपर चार्ल्स ने हमला किया था, चूचू चार्ल्स, जो कि वो ट्रेन मैंने तुम्हें दिखाया था, वो उसके साथ हम लोग लड़ाई भी कर रहे थे, तो इसको बहुत बुरी तरीके से वो ट्रेन ने पीटा है। The breakers are in the nearby supply shed. If you go get them and repair the lighthouse, I can try signaling passing ships to come help us. अभी मेरे को एक चीज नहीं समझ रही है कि ये जो चार्ल्स की बातचीत करते हैं, वॉरेन चार्ल्स ने इनको पीटा है कि फिर वो ट्रेन ने ही पीटा होगा। Once you finish, I have some spare scraps to give you. ओके हमें इसका कोई काम करना है और उसके बदले में हमें ये स्कार्प देगी, ऐसा बोला है, क्रेप्स जो इसके पास है वो देगी। तो इसका काम कौन सा है वो देखने दो मेरे को। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं सीधा ट्रेन पे, ये रहा हमारा ट्रेन, तो भागते हुए सीधा ट्रेन पकड़ते हैं। यहाँ पे एक मिनट और हम लोग रुकने वाले नहीं है, एक स्केर, अरे एक मिनट रुको, एक स्कार्प मुझे दिख चुका है, और ये जो साउंड पीछे चल रहा है मेरे को लग रहा है कि अपना चार्ल्स आ रहा है, तो फटाफट से भागना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ी और देर रुकेंगे ना तो लंका लग जाएगी, ये भी उठा लेते हैं। तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, बट उससे पहले हम लोग ट्रेन को थोड़ा और अपग्रेड कर लेते हैं, बट इस बार हम लोग ट्रेन का डैमेज लेवल अपग्रेड करेंगे, आर्मर अपग्रेड करते हैं पहले तो, और उसके बाद अभी डैमेज अपग्रेड करेंगे। डैमेज के लिए अभी हमें 10 स्कैर्प चाहिए जो कि नहीं है, और सच बताऊँ तो हमें ट्रेन को पहले रिपेयर करना चाहिए था, बट हम लोग गधे हैं जो हमने ये वाली चीज़ करी, हम नहीं मतलब मैं गधा हूँ। ये पेंट है जो कि मैंने ग्रीन कलर की ट्रेन कर दी है, पहले येलो रंग की थी तुम्हें पता होगा, बट अभी मैंने कलर चेंज करके इसका ग्रीन कर दिया है, क्योंकि हमारे पास कलर का डब्बा था, येलो वापस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है देखो इस तरीके से, बट मुझे लगता है ग्रीन सही लगेगा तो ग्रीन कर देते हैं। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से सीधा नॉर्थ वाली माइन पे, जो कि बंकर यहाँ पे हमें पहले जाना है ना, ये बंकर पे इसने हमें भेजा है, तो पहले हम लोग जॉन स्मिथ का मिशन कंप्लीट करेंगे, बाद में हम लोग वहाँ पे जाएंगे। आई थिंक मुझे लगता है ट्रेन को हमें यहाँ पे रोक देना चाहिए, जॉन स्मिथ जो है ना उसका पहले मिशन कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखना पड़ेगा मेरे को, ये वाले रास्ते से जाते हैं, क्योंकि रास्ते से चलते हैं ना तो स्कैर्प मिलते हैं, स्कार्प या क्रेप्स जो भी बोलते हैं ये मिलता है, इसलिए सामने कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है ये। एक मिनट, ये तो बम मिल गया मेरे को, बढ़िया। अभी यहाँ पे क्या है ये, वो इधर, ओ अच्छा ये रॉकेट हम लोगों को यहाँ से ही लेना है आई थिंक, आ जाओ। जो रॉकेट लेने के लिए उसने भेजा है ना वो रॉकेट अंदर ही है। अच्छा वो बम हमने वहाँ से लिया था, वो यहाँ पे हमने लगा दिया। दूर हटो दूर हटो, ये फटने वाला है अभी। वही अरे मेरे को डैमेज आया, माँ कसम, और दूर जाने का ज़रूरत था।
हमने धमाका किया बट हम वहां पे खड़े रह गए तो क्या होगा। ओए ये क्या किया मैंने। ए अरे यार दो धमाके मैंने कर दिए हैं और मेरे को कोई आइडिया नहीं लग रहा है। छी भाई क्या गेमर बनेगा रे अज्जू भाई तू। बट बहुत बढ़िया हम लोग अभी तक तो कर रहे हैं चीजें। ये इसमें क्या लिखा है, वर्जन वन फेल्ड, वर्जन फेल्ड, 30 सेकंड फ्लाइट और सक्सेस रॉकेट लॉन्चर। ओके तो इसने आई थिंक टेस्ट वगैरह भी किए करे हुए हैं रॉकेट लॉन्चर के। तो हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं अभी के लिए। जो चीज़ मेरे को चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। अभी हम लोग ये रॉकेट लॉन्चर लेके जाने वाले हैं वापस से जॉन स्मिथ के पास और देखते हैं जॉन स्मिथ इसका क्या करता है। मेरे को जॉन स्मिथ का लोकेशन मार्क करने दो। उसने बोला था मेरे पास वापस आना, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है उसने बोला तो था ऐसा, मेरे को थोड़ा बहुत याद है। तो ये लो जॉन स्मिथ भाई, हम लोग वापस आ चुके हैं। बढ़िया इसने हमें लॉन्चर बना के दे दिया है। ओके आफ्टर यू आर डन आई हैव अ फ्यू पीपल टू विजिट विद इट इफ यू कैच माय ड्रिफ्ट। अरे कोई बात नहीं भाई, हम लोगों को इसने लॉन्चर दिया है पता नहीं क्यों, बट उसने बोला है कि अभी ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो तुम लोग मतलब तुम भाई इसको लेके जा सकते हो। अभी मेरे को ट्रेन मार्क करने दो। हम लोग सीधा अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, ग्रीन ट्रेन हमारा है, यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे ये ट्रेन को लेके और सीधा हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये वाली जगह मार्क करूँगा बाद में, बट अभी के लिए पहले मैं अपनी ट्रेन की लोकेशन ही मार्क कर देता हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में नॉर्थ वाली माइंस पे पहुंच जाएंगे, नॉर्थ पे जो माइन है वहाँ पे। बट उससे पहले मैं तुम लोगों के लॉन्चर का बता देता हूँ, जो रॉकेट हम लोग लेके आए हैं ना उससे, ये रॉकेट से हम लोग उसको चार्ल्स को मार सकते हैं और हाई डैमेज दे सकते हैं। मतलब ये रॉकेट जैसे उसको लगेगा उसको बहुत डेंजर वाला डैमेज आएगा, तो इस वजह से ये हमने रॉकेट उससे लिया है और उसने हमें दिया है ताकि हम चार्ल्स को ईजिली हरा सके। बट चार्ल्स को मारना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल जाने वाला है। हम लोग आ चुके हैं ये वाली माइंस पे जहाँ से हमें दूसरा अंडा मिलने वाला है, या दो जो बाकी अंडे हैं वो दोनों के दोनों भी यहाँ से मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट कितने अंडे मिलेंगे वो तो थोड़ी देर में हमें पता लगेगा ही लगेगा। बट मैं आसपास इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को ओही सामने गार्ड है, देखो मेरे को देख लिया तो लंका लगेगी, थोड़ा छुपके से जाना पड़ेगा। आ जाओ इधर से निकल लेते हैं, कितने गार्ड है भाई इधर, ये देखना पड़ेगा। अगर किसी ने भी मेरे को देख लिया ना तो वाट तो लग जाएगी ऐसा मेरे का, मतलब मेरे को लगता है ऐसा। चलो अभी के लिए हम लोग आ चुके हैं अंदर। वो बाहर वाले गार्ड ने मेरे को नहीं देखा है, अंदर कितने गार्ड हो गए वो देखना पड़ेगा। हाँ अंदर एक और गार्ड तो है ऐसा लग तो रहा है मुझे। यहाँ पे ही है क्या? अब वैसे भी साउंड भी नहीं आ रहा है यहाँ पे किसी का विसल मारने का, आई थिंक खत्म हो गया है जितने भी लोग थे। ये क्या है? चलो इसमें कुछ हमें खास चीज मिलने वाली ऐसा लग रहा है, अंडा मिलेगा शायद से। ये लो अभी ये बात आखिरी बार एक बार रोक देते हैं ताकि ये ओपन हो जाए। चलो ब्लू कलर का भी ट्रेन हम लोग कर सकते हैं, बढ़िया। हमें एक और पेंट का डब्बा मिल चुका है, ट्रेन को हम लोग ब्लू कलर की भी कर सकते हैं। अभी भी साउंड आ रहा है किसी के विसल का। अभी ना हमें क्या करना है अंदर से, अरे यार अंडा लेते ही ये बंद हो गया, अभी मैं इसको ओपन कैसे करूँगा, ये ओपन कैसे करूँगा ये। अरे इधर से जा सकते हैं हम लोग, आ जाओ। ये अच्छा चीज़ है भैया, उसको पता नहीं अंडा चोरी हुआ है शायद से, वरना तो। अरे ओ वाव अमेजिंग। चलो उसको अभी तक पता ही नहीं लगा है कि अंडा चोरी हो गया ऐसा, एक ही अंडा था आई थिंक जहां तक मुझे लगता है। निकल लेते हैं अभी इधर से। ये लो ये इजी था, ये अंडा चुराना मतलब चुराना इजी था, थोड़ा दिमाग लगाया इसलिए। अब नेक्स्ट बार जब हम लोग अंडा चुराने जाएंगे ना तो ऐसा ही कुछ दिमाग लगाएंगे वापस से एक और बार, ताकि काम हम कम करें। मतलब दो गार्ड को लाओ बाहर, ठोको मार दो उसको और बाद में निकल लो इधर से। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे और ब्लू कलर का डब्बा कर देंगे हम लोग। वैसे अभी हमारे पास दो स्क्रैप है, इससे हम लोग कर लेते हैं ट्रेन को फुल रिपेयर और निकल लेते हैं यहाँ से। अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे इस बंदे से मिलने के लिए। यार अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा सा एक कमेंट कर देना, और नए हो बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। आई थिंक थोड़ा और चलाना पड़ेगा ट्रेन को, अब रोक देते हैं।
बढ़िया है, आ जाओ। इसका नाम क्या है? ओ अच्छा, पता नहीं यार, बहुत डेंजर इंग्लिश है। म्यूनसिपल बिल्डिंग लगा मेरे को तो। अच्छा इधर से रास्ता है अंदर जाने के लिए, ये दरवाज़ा है। बाकी देख लेते हैं आसपास कोई है कि नहीं। यहाँ पे कोई है ही नहीं ऐसा लग रहा है मेरे को। क्रेप्स पड़े हुए हैं, बढ़िया है। सोफे वोफे लगे हुए हैं पर कोई इंसान नहीं दिख रहा इधर भाई। बट ये जगह तो बहुत बढ़िया है रहने के लिए, बहुत सही जगह बनाई है ये तो। सीधा इधर से घूम के इधर आ गए हम लोग। समझ नहीं रहा है क्या है। अच्छा ये कुछ तो था, रीड नहीं कर। एक मिनट, स्टेकिंग आउट दिस एरिया फॉर डेज एंड चार्ल्स नेवर क्रॉस्ड द ओल्ड वुड ब्रिज, सम हाउ दैट बीस्ट इज ट्यूनिंग इन अप टू नो इट डेंजर बट ही एंग्री एंड डेस्परेट, ही माइट जस्ट चेस समवन अक्रॉस इट, देन बम, वी यूज जॉन्स बम टू ब्लो द होल थिंग अप एंड चार्ल्स फॉल्स फेस फर्स्ट इन टू कैनियन। ओके, इफ यू द ब्लास्ट डजंट किल हिम द फॉल श्योरली विल। हाँ अच्छा है, अच्छा है। मतलब कुछ तो इसने बोला है कि कोई ब्लास्ट करना है, बट वो ब्लास्ट क्या करना है वो मेरे को नहीं पता है अभी। अरे यार बिजली खड़क रही है। एक और बार मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे अभी जाना है, ये वाली जगह पे जाते हैं। बट ये दूर है थोड़ी सी, ट्रेन लेके निकलते हैं यहाँ से। ट्रेन साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा, और कुछ नहीं। बढ़िया, बस पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। ट्रेन रोक देते हैं अभी। चलो आ जाओ भाई। क्रेप्स तुरंत मिल गया, बाहर ही क्रेप पड़ा हुआ है, उठा लेते हैं। अब जाते हैं अंदर। वही, ये क्या था? अच्छा, ताकि चार्ल्स ना आए इसने यहाँ पे पूरा बंदोबस्त करके लगाया रखा है, और मेरे को ही लगा वो तो। Okay. You know, my late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took him up to their camp. इसका जो हस्बैंड, मतलब इसका जो मतलब पति था, वो गन बनाता था ताकि वो फाइट कर सके चार्ल्स के साथ, बट वॉरेन, जो वॉरेन चार्ल्स है, उसने उसको चोरी कर लिया, ऐसा कुछ कह रही है। Bob was such a brave man, much braver than you, I bet. अरे बस ना बे, ये बोल रही है कि जो इसका हस्बैंड बॉब था वो हमसे भी ज़्यादा ब्रेव, मतलब क्या बोलते उसको, वो था, नीडर था ऐसा। चलो ये हमें, बिल्कुल बिल्कुल फेवर करेंगे। इफ यू डू एंड अप यूजिंग नेम इट बॉब इन मेमोरी ऑफ माय हनी। डन डन हो जाएगा। हमें इसने एक गन दिया है जो यहाँ पे पड़ा हुआ था ताकि हम लोग चार्ल्स को मार सके। दरवाजा बहन ओपन करने का तुम की दे दी थी ना, और मजा आ जाता। अभी हम लोग निकलने वाले हैं और ये वाला मिशन कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों को जाना है। चलो ये लड़की ने, ये जो मतलब, तो हम लोगों को यहाँ पे आना है, ये लोकेशन पे आना है, और जो उसका हस्बैंड गन बनाता था, जो उसके पार्ट्स चोरी हुए है, वो सभी पार्ट्स को हमें यहाँ से कलेक्ट करना है। बट इससे पहले मेरे पास एक और काम है, इससे भी बातचीत कर लेता हूँ। आज अब यहाँ का एक आखिरी मिशन कंप्लीट कर लेते हैं, तीसरा वाला। The archivist in all your radiant glory. बिल्कुल। Paul trusted me with a key to one of the mines containing an egg, but before I give it to you, I have to warn you about something. ये कोई वार्निंग दे रहा है हमें? There's an ancient shrine on the island, a pyramid of sorts, with a curious prism located at the top. समझ the prism गया? Prism seems to have been designed for one purpose, to destroy monster eggs. ठीक है। Three slots are carved into the prism. Which perfectly fit the eggs. ठीक है। Fully loaded, a massive beam of energy is emitted. समझ गया। Engineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs. Okay. Now for the real warning. Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. Ooh. चलो तो हम वो जो तीन अंडे रखने वाले हैं ना, उसके बारे में ही कुछ कह रहा है कि वो अब्जॉर्व कर सकता है उस एनर्जी को, और उसकी ताकत वगैरह बढ़ जाएगी चार्ल्स की, ऐसा कुछ तो कह रहा है। We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. तो जब हम लोग चार्ल्स को उस टेंपल पे बुलाएंगे, वो
तीन अंडों के साथ, और जब वो तीन अंडे वहां पे होंगे तो चार्ल्स उस तीन अंडे को बचाने के लिए वहां पे आएगा, बट जब उस ट्रायंगल जैसा कुछ होगा उसमें जब हम तीन अंडे रखेंगे तब उसमें से एक मतलब वो निकलेगी, ऊर्जा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, उसके अंदर से एक एनर्जी ऐसी निकलेगी जो एनर्जी चार्ल्स अगर सोख लेता है, अपने अंदर ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो और भी ताकतवर बन जाएगा और अभी जितना डेंजर है उससे भी डेंजर बन जाएगा, तो ऐसा इसका कहना है। However, it's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mind key. तो हमें एक आखिरी माइन का जो की मिल चुका है, मतलब आखिरी अंडा ढूंढने के लिए जिस माइन पे जाना है इसका की इस बंदे ने हमें दे दिया है। बिल्कुल, हम मैं मारेगा भाई, तुम लोगों को सुरक्षित करने का जिम्मेदारी तांत्रिक अज्जू भाई का, तुमको मैं बचाएगा, टेंशन मत लो रे बीड़ू, चलो आ जाओ। तो अभी हम लोग जाने वाले है कहाँ पे बताए तुम लोगों को, वो जो लड़की ने बोला है ना ये वाली जगह पे हम लोग जाएंगे। चलो कहाँ पे जाना है पता है, यहाँ पे ये माइन टोम नहीं, ये हस्बैंड के पास जाना है ना। हाँ तो हम लोग ये ट्रेन को निकालेंगे, यहाँ से ट्रेन आएगा, देखना ऐसे ट्रेन आएगा इस रास्ते पे, फिर हम लोग ये वाले रास्ते पे लेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। तो चलो फिर अभी जाते हैं वहाँ से, मतलब यहाँ पे इस वाली जगह पे, और देखते हैं उसके हस्बैंड ने कौन सी गन बनाई है, क्या सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है जो हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं, क्या वो सामान बढ़िया है या सामान लेके हम लोगों का ही नुकसान होने वाला है। तो पहुँच चुके हैं हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे उसकी वाइफ ने बोला था हमें आने के लिए। ओ ये क्या है, किसी का आवाज़ आया, अरे यहाँ पे भी गार्ड है, अरे लंका लगी लगी लंका लगी, एक मिनट रुको मेरे को इनको मारना पड़ेगा। अरे ये लो गया, एक और गया अभी, ये लो, अरे भाई यार लंका लग गई, ये पूरा ना वो कर देता है पता है, ट्रेन के भी लंका लगने वाली है। ये लो गए क्या सबके सब, ट्रेन तो पूरा का पूरा ये लोग वो कर देते हैं भाई, ट्रेन बिगाड़ देते हैं छे भाई। चलो ठीक है चार को, अरे ये अभी तक जिंदा है बक, अरे ये मर का ही नहीं रहा, आ जाओ तो देखते हैं भाई, इसकी आत्मा तो भाई अलग ही लेवल पे है, आ जाओ अभी हम लोग जा सकते हैं। हमें स्कार्प और भी चाहिए होगे क्रेप्स, क्योंकि हमारे जो क्रेप्स है क्रेप्स ओके क्रेप्स जो है उसकी लंका लग चुकी है, क्रेप्स सभी के सभी यूज हो चुके हैं। अभी हमें देखना ये है ये क्या है इधर अंदर, अच्छा ये मास्क है जो ये लोग पहन के इधर उधर घूमते रहते हैं, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। देखते ये क्या है इधर, यहाँ से हम लोगों को पार्ट्स लेने के लिए भेजा गया है ना, उसकी वाइफ ने बोला था पार्ट्स यहाँ पे तुम्हें मिलेगी, एक मिनट रुको देखते हैं, ये तो दरवाज़ा ही ओपन नहीं हो रहा है, कहाँ मिलेंगे पार्ट्स यार, अंदर है क्या, हाँ अंदर लग रहा है मेरे को, स्कार्प और भी ये क्या है सब, अंदर जा नहीं सकते हैं मेरे ख्याल से हम लोग, कुछ तो यार चाबी चाहिए होगी, चाबी किधर मिलेगी, देखने तो चाबी है क्या कहीं पे, चाबी 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 किधर मिलेगा भाई, यहाँ कहीं पे तो चाबी लग नहीं रहा मेरे को, इधर देख लेते हैं, ये ओपन होगा, हाँ ओपन हो गया, इधर ये गन है तो, बट दिक्कत ये है कि मैं ये सभी गन को उठा नहीं सकता हूँ इधर से, आ जाओ ऊपर जाते हैं, ऊपर क्या है देखते हैं। ये ब्रिज पे कुछ है तो नहीं वैसे ब्रिज पे, ठीक है उठा लेते हैं सामान। इसके अलावा यहाँ क्या है, यहाँ पे चाबी, ये रही चाबी जो हमें चाबी चाहिए थी ना, मैंने बोला ना चाबी इधर कहीं पे ही होनी चाहिए, वो जो नीचे घर है ना उसका चाबी मुझे मिल चुका है, अभी उस घर को हम लोग ओपन करके देखते हैं क्या है वहाँ पे, आ जाओ। वैसे अब कुछ बाकी तो नहीं ना यहाँ पे चेक करने के लिए, क्रेप्स काफ़ी मिले हैं मेरे को, तो अभी जो क्रेप्स का दिक्कत था हमारा वो सोल्व हो चुका है, अभी इधर ऊपर जाना बाकी है, एक ये वाली जगह पे भी जा लेते हैं। इधर एक और क्रेप्स मिल गया, मतलब एकदम फोगटिया तो नहीं गया है, ये हो गया दरवाज़ा ओपन, ये वाले जो स्पेयर पार्ट है मतलब इस पे लगे, ए बढ़िया, तो यही चीज़ तो हमें चाहिए थी,
अभी हमारे पास एक और गन आ चुकी है जो कि बोब की है, वो जो वाइफ थी उसकी, उसका हस्बैंड था बोब, उसकी गन हमारे पास आ चुकी है। तो हमारे पास अभी वेपन काफ़ी सारे हैं जिससे हम लोग चार्ल्स को मार सकते हैं, बट देखना ये है कि क्या हम चार्ल्स को मार पाएंगे। वैसे मेरे को ये देखने दो, अभी कुछ बाकी है क्या? हमें यहाँ पे जाना है और ये है आई थिंक मोर प्रोटेक्टिंग इन एग एंड डूइंग स्ट्रेंज वर्क। ओके, तो आखिरी अंडा हमें यहाँ पे मिलने वाला है, आखिरी अंडा आई थिंक यहाँ पे हमें मिलेगा। ये आखिरी माइन है, तीसरी माइन, तीसरा अंडा यहाँ पे होगा। अभी हमको ट्रेन को लेके यहाँ पे जाना है, तो उसके लिए मेरे को इसको पहले चेंज करना होगा, ये पटरी पे हमें चलाना पड़ेगा ट्रेन। तो आ जाओ, अभी इधर से हम लोग चला लेते हैं ट्रेन को ऐसे, और यहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं, ये वाली जगह पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे इस साइड पे हम रुक सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी रोक देते हैं यहाँ पे ट्रेन, नीचे उतरते हैं और इस साइड से हम लोगों को जाना पड़ेगा। आई थिंक साउंड बहुत गंदा आ रहा है भाई, इधर मेरे को लगता है वो आ रहा है। भाई चार्ली आ रहा है क्या? चूचू चार्ली इधर ना आ जाए बस, थोड़ा काम बाकी है वो मैं कर लूँ, उसके बाद चूचू चार्ली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी आई थिंक माइन है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। मेरे को लगता है यहाँ पे भी लोग इन लोगों ने खड़े करके रखे होंगे। मेरे को देख लेने दो, चूचू आ रहा है, चूचू चाल आ रहा है, चूचू चाल से आ रहा है। ट्रेन पे भागना पड़ेगा आई थिंक हमें। भाई साउंड तो आ रहा है चूचू चाल्स का। आई थिंक हम लोग जाते हैं माइन में, जो भी होगा देखा जाएगा। यार आ रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ पे मेरे को लगा मैंने देखा चूचू चाल्स को। भाई ये उठा लेते हैं, आई गए हैं तो सब चीज़ें उठा लेते हैं जो भी मिलती है। अब कहीं पे क्रेप्स पड़े हुए हैं, आई थिंक वो चूचू चाल्स यहाँ पे ही है कहीं पे, देखने दो मेरे को। अगर उसने हमें देख लिया ना तब वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। ये देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, देखा देखा देखा, ये रहा। अभी ये वाली माइन में हमें जाना है, बट क्या इन लोगों ने यहाँ पे भी गार्ड रखे होंगे? आई थिंक मुझे लगता है गार्ड होने चाहिए अंदर, तो थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, वरना लास्ट बार की तरह गार्ड को हम लोग बाहर लाएंगे उनको मार देंगे। ये वैसे माइन भी थोड़ा डरावना लग रहा है, साउंड बहुत डरावना आ रहा है, बट मैं नहीं डरता क्योंकि अज्जू भाई नहीं डरते किसी मंजर से, वो अपना पिछवाड़ा भी खुजाते हैं खंजर से साउंड आ रहा है किसी का। चलो फिर अभी यहाँ से सामान उठा लेते हैं, ये वाली जगह पे हम आए थे, ये क्रेप उठाना भूल गया था, तो ये भी क्रेप्स ले लेता हूँ। अभी अंडा किधर मिलेगा? एक और कोई तो है यहाँ पे लग रहा है मेरे को, कोई तो है ऐसा, हाँ इधर ही कहीं पे कोई है। ये भी उठा लेते हैं, मेरे को हल्का सा ना फुटस्टेप आ रहा है, और कुछ नहीं है यहाँ, कोई तो है, ये भी उठा लेते हैं, देख के रहना पड़ेगा कोई है क्या। अभी अभी के लिए कोई नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ आ गया, वो भी आ गया, इसको भी मारना पड़ेगा वरना बात नहीं बनेगी। आ जाओ इसको बाहर लेके जाते हैं, मैं चाहता हूँ अकेले को बाहर लेके ना जाए, जितने भी यहाँ पे वर्कर है ना वो सभी वर्कर को लेके हम लोग बाहर जाएंगे, जितने भी काम करने वाले सब आ जाओ। देख लेते हैं, ये अंडा उठा ही लेते हैं फिर, ऐसा सीन है अभी के लिए तो मेरा। आ जाओ आ जाओ, देखते हैं, आ जा ऊपर आ जा। नीचे मैं चला जा चुका हूँ दोस्तों, मैं सोचा कि रिक्स ले लेते हैं, फिर अभी क्या है, मर गए तो मर गए, या तो फिर यहाँ से जिंदा बाहर निकलेगी या तो मर जाएंगे। ये कोर वर्कर है इधर, ओके ऊपर से नीचे आने में से तो रहा, मेरे को नहीं लगता वो आएगा अभी नीचे। अच्छा ये क्या कर रहा है यहाँ पे? नो ब्रो, ये रहा अंडा जो हमको चाहिए, मत मार गोली मत मार, वे बहुत क्लोज में मार रहा है गोली, ये तो दिक्कत हो गई भाई, ये प्रॉब्लम हो चुकी है ऑलरेडी, अब तो लंका लग चुकी है, इधर से ही तो मैं आया था भाई। किधर है वो जगह, वो जगह किधर है भाई? अंडा यहाँ पे, अरे यार मैं कहाँ से, वो जगह किधर थी जहाँ से मैं नीचे आया था? वो जगह ही गायब हो गई भाई, भेंडी ये गेम क्या घटिया गेम है। ऑलरेडी मैंने अंडा ले लिया था, अब मेरे को वापस अंडा लेने के लिए जाना पड़ेगा, मेरे को ये दिक्कत है भाई, ये गेम सब बहुत मतलब दिमाग खराब कर रही है। तो आ जाओ इस बार देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे और घुसेंगे। ये रहा देखो, इधर तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ओके ये गया वहाँ पे, नहीं वो देखेगा अभी पीछे,
ये रहा देखो भाई, अभी तक तो नहीं देखा है, बस देखे ना हो जाएगा काम अपना। ओके ये गया वहाँ पे, ये उठा लेते और निकल लेते हैं। ये रही वो लिफ्ट, अब देखना लिफ्ट का लोकेशन तुम लोग याद रखना। ओके यहाँ पे लिफ्ट मैंने रखी है, तो अभी ये गायब कैसे होगी वो देखना तुम। जैसे वो भाई हमारे पीछे भागेगा ना, इधर से लिफ्ट गायब सीधा। ये देखो ऊपर चली गई। अरे भेंडी में कितना दिमाग से पैदल हुए, ऊपर चली ही जाएगी ना यार। अब यहाँ से बाहर कैसे निकले वो देखना है। ये कोर भाई साहब, और अरे भेंडी लग गई वलंका लग गई। ये अंडा उठा लेते, जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर मत मार रे भाई, मत मार, ये रही जगह जहाँ से हमें भागना है। निकलो, टाटा, मिलते हैं फिर भाई। यहाँ पे एक और बंदा खड़ा रहेगा देखना। Get him! निकलो, भागो, यहाँ पे रुको मत। नहीं 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 नहीं, मेरे को मेरा ट्रेन किधर है वो भी नहीं पता। ट्रेन को मार करने दो भाई, मेरे को पड़ी है, गंदी पड़ी है, निकलना पड़ेगा इधर से। मेरा ट्रेन में किधर रख के आया हूँ भाई, ट्रेन किधर रख के आया हूँ मैं, ये कहाँ से निकला हूँ भाई। मतलब अंडा मिल चुका है मेरे को थर्ड वाला, मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं ट्रेन किधर रख के आया भाई, हमारा ट्रेन किधर। वो अभी भी आ रहा है यार भिंडी। ऐसे लोग अच्छे नहीं है भाई दुनिया में, बहुत बुरे लोग देख लिए, इतने लोग नहीं देखे बुरे। आ जाओ, हाँ अभी मेरे को बताया ट्रेन का लोकेशन। आ बेटे आ जा, आ जा, बाप कौन है बता तो, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, आ बेटे आ, तू एक बार ट्रेन के पास आ जा। ट्रेन में से गन से गोली मार के ना तेरे को उड़ा दूँ ना, तो मेरा भी नाम बदल देना पूरा। क्या मतलब कितने दूर हमको निकाला। चलो कहाँ पे है, इधर आना। चलो ये ट्रेन को मारेगा, अभी थोड़ा इधर लेके आता हूँ पहले अभी। अरे दो आ गए भाई, ये दो के दो आ गए इधर तो। ये ले, चल निकल अभी घर पे जा सीधा, इधर नहीं रुकने का मेरे सामने भाई, होशियारी नहीं करने की। अभी मेरे को देखने तो, अभी हमें किधर जाना है, अभी हम लोगों को किधर जाना है भाई। हम लोगों ने सभी मिशन कंप्लीट कर लिए है, अभी कोई चीज़ मेरे ख्याल से बाकी नहीं रही है। यहाँ पे हमें जाना है अभी के लिए, ये वाला मिशन बाकी है, बाकी सब मिशन हमने कर लिए है। अब इससे बातचीत करके देखते हैं जो ये ब्लू में है। वैसे ये वाली जगह पे मैं पहले भी आया हूँ शायद से, मुझे लगता है मैंने यहाँ पे पहले भी एक बार के लिए बातचीत किया है, बट मैं कुछ ना कुछ चीज़ें मिस कर देता हूँ, तो मेरे को लगता है मैंने कुछ चीज़ें मिस करी है। तो जो चीज़ मैंने मिस करी है ना, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई इंसान था नहीं जब मैं पहली बार आया था, तो अभी मेरे को समझ नहीं रहा है कि क्या है। अच्छा यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है बालकनी पे, बढ़िया। ओ अच्छा ये है उसका बेटा जो हमें स्टार्टिंग में यूजिन मिला था ना, यूजिन का बेटा, ये पॉल है आई थिंक। हाँ उसने वही बोला ना, तो पक्का यही है। I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. ठीक है, बट इसको आई थिंक ये नहीं पता है कि इसके पापा जो यूजिन है उसका डेथ हो चुका है, और ये भी यही बोल रहा है कि वॉरेन जो है वो अंडे को बचा रहा है मॉन्स्टर के एग अंडे। Summon Charles into a duel and fight him to the death. We've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then meet me back here. चलो आ जाओ। अभी हमको ना इसने बोला है कि तुम वो ब्रिज पे जाओ, और ब्रिज पे जाके जितने भी ब्रिज के पिलर हैं उन सभी पिलर के ऊपर बम लगा दो। अब ये वो ब्रिज कौन सा होगा, आई थिंक ये वाला ही ब्रिज है जहाँ से हम लोग आए हैं। ये ब्रिज से हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, तो अभी ये ब्रिज के पिलर पे हमें लगाने हैं बम। मतलब देखते हैं, एक मिनट ये उठा लेते हैं, पहले ब्रिज सही से देख लेते हैं। बढ़िया ब्रिज तो बढ़िया लग रहा है, अच्छा है, चार्ली का ब्रिज है। ये उठा लेते हैं, इसके अलावा ये भी उठा लेते हैं, और अभी हम लोग जाएंगे इधर से देखने के लिए कि क्या चल रहा है यहाँ सब जगह पे। यही है ब्रिज वैसे तो,
यार ये मेरे को पहले क्यों नहीं दिखा था? आ जाओ, इसके पिलर को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बम लगाना है, एक बम इधर लगाना है, एक बम इधर लगाना है। उसके अलावा ये सभी चीज़ों के अलावा और भी काम होंगे। एक बम यहाँ लगाना है, एक बम यहाँ लगाना है, और यहाँ पे एक बम बाकी रह गया आई थिंक। एक यहाँ पे लगाना है, अभी उस साइड पे दो जगह पे लगाने गया, लगा लग गई। छी भाई, मैं इतना नुबड़ा तो नहीं हो सकता हूँ भाई, मेरा ध्यान थोड़ा सा वो गया और मैं नीचे गिर गया। चलो वापिस जाना पड़ेगा वो ट्रेन पे बम लगाने के लिए। वैसे मैंने जितने बम लगाए हैं वो बम चले ना गए हो बस। आ जाओ, अभी यहाँ पे भी लगा देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलो ये काम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी बस हमें जाना है वापस से पोल से मिलने के लिए, जो कि उसका बेटा है, यूजिन का बेटा है। बट अगर उसको सच्चाई पता नहीं है तब दिक्कत वाली बात तो है, बट पता ही होगी, जाहिर सी बात है। आ जाओ, बट एक बार फिर भी बात कर लेते हैं। That's the tallest and weakest bridge on the island. So if Charles ever crosses it, we can blow him sky high. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to summon and fight him. तो हमें फाइट करनी है, बट अगर चार्ली इस ब्रिज के ऊपर आता है तो ये ब्रिज पूरा फटेगा बम की वजह से, और चार्ली भी फट जाएगा ऐसा। Take this. It's the key to the temple. चलो, हमें टेंपल का की मिल चुका है, मंदिर का की मिल चुका है। बिल्कुल मैं रेडी हूँ भाई, टेंशन मत ले। तो ये बोल रहा है कि तुम मंदिर पे जाओ, तुम फाइट करो, तुम क्या प्रिपेयर्ड हो, मतलब तुम तैयार हो फाइट करने के लिए? मैंने बोला बिल्कुल सर, बिल्कुल, टेंशन नहीं लेने का। और प्लानिंग बहुत जबरदस्त किया है पोल और मैंने, कि हम जब वो ब्रिज पे चार्ली आएगा तो ये ब्रिज पे करेगा धमाका जिससे चार्ली ऑलमोस्ट मर जाएगा। तो ये है हमारा प्लान, और अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर पे। मंदिर है यहाँ पे, देखो भाई बहुत दूर मंदिर है, तो यहाँ पे आना है हमें। तो यहाँ पे आने के लिए काफ़ी सारे रास्ते हमें बदलने पड़ेंगे, बट कोई टेंशन नहीं है, अपन लोग थोड़ी देर में ही उस मंदिर पे पहुँच जाएंगे। तो आ जाओ, सीधा मिलते हैं मंदिर पे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे मंदिर पे, और अभी हम लोग ट्रेन को रोक देते हैं। भाई मंदिर आ चुका है, रुको 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 रुको, चलो बढ़िया। तो अभी हम लोग वीडियो के एंडिंग में आ चुके हैं, आई थिंक हम लोग अभी चार्ली को मारने वाले हैं। बस चार्ली मुझे ना मार दे। अरे यार, ये वापस पाखंडी मेरे को मारेगा। अरे यही तो दिक्कत है ना भाई इन लोगों की, यही तो दिक्कत है, ये लोग मारते रहते हैं बिना मतलब के। चलो वो भाई, ये लो, आ गए हम लोग टेम्पल पे। ये क्या है जिसमें हम लोग अंडे डालने वाले, मतलब अंडे रखने वाले हैं? ये रहे हमारे 3 अंडे जिसको हम लोग इसमें रखेंगे भाई। बट हम लोग सीधा घुस गए, पता है हम लोगों को कितनी गोली भी पड़ी है, हम लोग मर सकते थे, बट वही है, जुवाई नहीं डरते किसी मंजर से, क्योंकि वो अपना पिछवाड़ा भी खुजाते हैं खंजर से। वैसे डायलॉग बहुत क्रिंज है, बट मेरे को मजा आता है बोलने में। वॉरेन चार्ल्स आ चुका है। You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. ये ले, अब बोल। देखो ये अगर लग गए लंका। अबे तू पागल है, मैं नहीं। ये आया। अभी अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा ना ये एनर्जी को, तो और ताकतवर हो जाएगा। देखो, ओ भाई इसके पैर देखो तुम। नेक्स्ट लेवल पे बन गए इसके पैर। अभी भागना पड़ेगा सीधा, निकलो। लग गए लंका। ये आया, ये जिंदा निकल गया उसको भिंडी, वो जिंदा निकल गया है उसको। निकलो 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 यहाँ से, निकलो। ये रिपेयर करो पहले तो, आ जा। अरे पकड़ना गन को, पकड़ना नूबड़े। अभी आ, रुक तेरे को बताता है मैं, दूसरा गन लेने दे। अब बोल, अभी बोल, अभी मेरे को तीसरा गन लेने दे, तीसरा भी है ना मेरे पास। ये क्या है गन, गन के नाम पे कलंक है? तो मैं मरने वाला हूँ भाई, रिपेयर हो जा भाई फटाफट से। गया
गया। आई थिंक मैं गया। हमें चाहिए क्रेप्स, बट हमारे पास क्रेप्स नहीं है। हम लोग वापस फाइट करेंगे, टेंशन मत लो। क्रेप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट क्रेप्स हम लोग लाएंगे कहाँ से? भिंडी लंका लग चुकी है, हमें पहले प्रीपेड हो जाना चाहिए था, ऐसा मेरे को लग रहा है अभी के लिए। तो हम लोग रॉकेट लेते हैं। अरे पकड़ना, रॉकेट मारना नूबड़े। ये लो, और एक और रॉकेट देंगे अभी इसको। ये लो ये ले भाई, तू भी क्या याद रखेगा। ये ले भाई, पड़ी है। ये लो, गए। आई थिंक अभी के लिए हमें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए, पहले क्रेप्स को लेके आना पड़ेगा। हमारे पास क्रेप्स बहुत सारे होने चाहिए, वरना हम लोग फाइट करने के लिए मतलब रेडी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। क्रेप्स से हम लोग गाड़ी को वो कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, बट जिस हिसाब से क्रेप्स के बिना तो भाई मुश्किल जाएगा हमारे लिए। आई थिंक मुझे लगता है अभी मेरे को टेम्पल पर नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। आसपास हम लोग थोड़ा सा क्रेप्स वगैरह ढूंढ लेते हैं, एंड उसके बाद ही हम लोग टेम्पल पर जाएंगे। तीन ही क्रेप्स मेरे पास है, थोड़े और क्रेप्स में कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग फाइट करने के लिए जाएंगे चूचू चाल से। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं मंदिर पे, बट उससे पहले मैंने पूरी तैयारी कर ली है जैसे पोल ने बोला था। तो जितने भी मिशन बाकी थे, मैंने बाकी रखे थे, सभी के सभी मिशन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, ताकि मेरे को जो रिवॉर्ड चाहिए, मतलब मेरे को वो मिलने वाले थे, इसको क्या बोलते हैं, क्रेप्स, वो क्रेप्स मैं कलेक्ट कर सकूँ। और मैंने वो सभी चीज़ें कर ली। आई थिंक मेरे को ट्रेन यहाँ पर रुक देना चाहिए, लोकेशन अपनी आ चुकी है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, मेरे पास 241 स्क्रैप हो चुके हैं सभी मिशन कंप्लीट करने के बाद। साइड मिशन मैंने ज़्यादातर कंप्लीट कर लिए, एक दो आई थिंक बचे हो गए, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत सारे क्रेप्स ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं। तो पहले हम लोग करेंगे ट्रेन को रिपेयर, और उसके अलावा स्पीड कर देंगे ट्रेन की। इतनी डैमेज बढ़ा देते हैं भाई, हमारी गन से जो डैमेज आएगा ना, वो टोटली नेक्स्ट लेवल पे आना चाहिए। स्पीड इतना कर लेते हैं, और आर्मर भी हमारा इस लेवल पे कर लेते हैं। अभी मेरे पास 31 स्क्रैप ही बचे हुए हैं, बट इस स्क्रैप को हमें बचा के रखना पड़ेगा। तो पहले मैंने जो गलती करी थी वो मैं नहीं दोहराने वाला हूँ। सीधा टेंपल पे जाऊँगा, अंडे रखूँगा और काम अपना स्टार्ट कर दूँगा, ओके? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार फाइट करते हुए मर चुका हूँ, दो बार आई थिंक, वहाँ पर भी लफड़ाई हो गया था, तो मैंने स्क्रैप कलेक्ट करके रखे है। अभी बस इधर जाना है और कंप्लीट, लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है भाई। ये ट्राई में हो जाना चाहिए, हमारे पास 31 क्रेप है तो अभी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। डालते हैं अंडे को, इस साइड से पहला अंडा जाएगा अभी, ग्रीन, बढ़िया। वापस से हमें कटसीन देखना पड़ेगा क्या, वो वॉरेन चार्ली आता है वो देखना पड़ेगा क्या? आई थिंक हाँ देखना पड़ेगा, देखना अभी आएगा वो। ये लो हम इसे स्किप भी नहीं कर सकते, पता है? अरे ये लो, क्या बात है, अभी आएगा अपना चार्ली, चूचू चार्ली। अरे फूल फूल करके निकल इधर से। अब देखना है कितना एब्जॉर्ब करेगा, इसके पैर देखना तुम कितने मोटे हो जाएंगे, देखो। गजब, लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से। अभी इसमें से किसी एक को ये निगल लेगा हमें डराने के लिए, कि भाई मैं इस तरीके से लोगों को निगलता हूँ, देखो। पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है अपना ट्रेन जिसमें हम लोग बैठने वाले हैं, ट्रेन को भगाएंगे यहाँ से हम लोग, फिर ये चालू कर देंगे। गन वगैरह हमने फुल अपग्रेड करके रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ये लो, अभी मेरे को रॉकेट लेने दो। ये लो भैया, अब बोल। अरे यार ये वापिस से लफड़ा हो गया। ये लो रॉकेट भाई, गया अभी है ये क्या हुआ? ये लो आई थिंक ट्रेन की हालत खराब होने वाली है, रिपेयर करना पड़ेगा। ट्रेन फुल टू रिपेयर हो चुका है, वापिस से आग। अरे भैया अभी जला देंगे, इसका भी लफड़ा हो गया, अभी इसकी बारी। ये क्या है? आई थिंक मेरे को ये नहीं समझा, ये क्या है, मतलब ये वाली चीज़, मतलब लिटरली नहीं समझ रही है मेरे को लगना भाई, क्या यार
अब तक ये कनेक्ट ही नहीं था, आई थिंक ये कनेक्ट ही नहीं था, ये डैमेज ही नहीं दे रहा, आई थिंक मेरा ये गया, रॉकेट लगाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। ओ ये क्या है, लग गए लंका, कुछ तो हुआ है। अरे बेटे आजा, आना बेटे आजा, अभी रॉकेट लेते हैं, किधर गया अपना, नहीं ये वाला है रॉकेट, ये लो अभी ये उठा लेते हैं। ये भैया हमें किसी भी तरह वो ब्रिज पे पहुंचना है ताकि हम इसको उड़ा सके, और कुछ नहीं है। गया, अरे भाई मैं हल्का सा मिस कर दिया, मैं फाइट में मेरा ध्यान होने की वजह से मैं मिस कर दिया, वरना मैं मार देता यार, मैं हल्का सा मिस कर दिया बस, मेरा फाइट में ज़्यादा ध्यान था वरना मैं रिपेयर कर लेता। हाँ अब तक लाइक नहीं किया कोई बात नहीं, अभी लाइक के बटन को दबा देना। अरे भाई ये क्या चल रहा है, ट्रेन भाग ले भाई, ट्रेन चल ले यार, क्या क्या चालू क्या है, ये फुल ट्रेन रिपेयर हो चुका है, ये लो अभी हम लोग एक भी गलती नहीं करने वाले हैं सच बताओ तो। अरे बेटे अब बोल, ये लो आई थिंक ये पीछे रहेगा, इससे हमारे पास नहीं आ पाएगा, नज़दीक नहीं आ पाएगा भाई, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है मैं सच्ची बता रहा है। ये लो चार्ली बेटे, बाप है हम तुम्हारे, चलो एक और बारी है वाली गन की बारी। ओ भैया भाई चार्ली को बहुत गंदा मारा है हमने, रॉकेट की बारी, ये ले भाई, ये रॉकेट नहीं है, रॉकेट हम लोग अभी लेने वाले हैं, तेरे को ये रहा रॉकेट हमारा, ये लो अब बोल भाई, गजब मारा है तेरे को, गन स्विच करने दो, ये वाली गन लेने दो, हमारी वाट लगने वाली है, ट्रेन रुक चुका है पूरा का पूरा, वापस एक और बार गलती नहीं करनी है हमें, अब थोड़ा पीछे रखते हैं इसको, ये लो किधर है, थोड़ा पीछे ही रहे तू, तू पास में मत आ बेटे, पास में मत आ, पास में मत आ, ये लेते हैं रॉकेट की बारी, ये ले, किधर गया है, आ जा, ये ले भाई, क्या फोड़ा है इसको, कहाँ से आएगा ये ले, अरे यार ये रॉकेट लगा नहीं इसको, अब लगेगा ना, अरे भेंडी, मैं हर बार भूल जाता हूँ कि मेरी लंका लगने वाली है, मेरी ट्रेन टूटने वाली है, मेरा उधर ध्यान ही नहीं रहता है, मेरा फाइट पे पूरा ध्यान चला जाता है, उरे मेरे को मार देता है, इस बार एक भी गलती नहीं करनी है भाई, पक्का यार मैं अभी नहीं घुसूंगा गेम में इतना ज़्यादा, अब इसको मैं मारूंगा कुछ भी करके। चलो पहले रॉकेट आ जा, ये लो ये लो, एक मिनट अभी मेरे पास दिमाग आया है ना, अभी दिमाग से प्ले करते हैं ना, इसको ऐसे मारेंगे, थोड़ा पीछे रखेंगे और उसके बाद हम लोग रॉकेट देंगे इसको, आ जा बेटे आ जा, अभी रॉकेट की बारी, ये लो भाई, इसको रॉकेट लग नहीं रहा है पता नहीं कैसे, चलो अभी इसकी बारी भाई, अरे यार ये तो तुरंत ही हीट मार जाती है गन, क्या हुआ इस बार, मैंने अच्छा खेला है जो भी बोलो, ये लो गया 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 है गया, आधे से ज़्यादा गया, अभी रिपेयरिंग की बारी, फुल रिपेयर, अभी इसकी बारी, पीछे रे बेटे पीछे रे, पास में बताने की ट्राई करना, पीछे रे, अब रॉकेट ला भाई रॉकेट ला, ये ले, अरे यार ये रॉकेट काहे नहीं छूट रहा है, अरे भाई क्या कर रहा है, गया अभी वापस इसकी बारी, कहाँ गया वो, रुको अभी इसकी बारी है, ओ ब्रिज तक पहुंचा दे हमें किसी भी तरह, अभी रिपेयर करना पड़ेगा इसको, ये लो
गया है, गया 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 गया। ओह नो, रॉकेट किधर गया? ये लो, ये लो। ओ भैया, बाप है हम तुम्हारे, आ जाओ। ये ले, गया है। ये वाला लेते हैं अभी। थोड़ा दूर रहे हमसे बेटे, दूर रहे। गया है। रॉकेट किधर गया? खत्म, लेट्स गो। अरे यार ये छोड़ना, गन छोड़ना। आ गया, ब्रिज पे आ गया है। ये लो, ब्रिज पे आ गया। ये ब्रिज पे जो हमने बम फिट किए थे ना, एक नंबर। गया। चूचू चार्ली का एंड होता हुआ देख सकते हो तुम लोग, किस तरीके से चूचू चार्ली मरा है। भाई मजा आ गया जो भी बोलो यार, बट इसने दिमाग खराब किया है भाई एंड में, जो इसने दिमाग खराब किया है ना मेरा, अलग लेवल पे। खत्म क्या गेम, क्या बात है। चूचू चार्ली भाई, जिसने भी लाइक नहीं किया अभी लाइक के बटन को दबा देना, और एकदम नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। बहुत सही। अभी मैं ये नंबर जो आ रही है इसको काट नहीं सकता क्या? मैं पूरा एंड करके जाऊंगा, क्योंकि मैं लगभग 3-3.5 घंटे से खेल रहा हूँ, तो अभी मैं नंबर बंबर देखूंगा भाई। जब तक गेम ऐसा नहीं बोलता टोटली गेम खत्म, तब तक मैं देखने वाला हूँ। और तुम लोग भी देखो, क्या पता कुछ ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह हो, क्योंकि मैंने सुना है इसका कोई क्रेडिट सीन वगैरह भी है। ओ क्या बात है, ये कोई पर्वत के अंदर जा रहा है कैमरा। ओके, ये है चूचू चार्ली का अंडा, लाल वाला, जिसे वॉरेन चार्ली बचा रहा था। तो आई थिंक, मुझे लगता है इसके पार्ट टू में वापस हम लोग चार्ली के साथ लड़ाई करने वाले हैं। ये अंडा उसका ही है, तो इसमें से चार्ली ही निकलेगा ना, वो राक्षस से निकलेगा ना। क्या बात है, बट इस आइलैंड पे खजाना बहुत है भाई, मानो या ना मानो बहुत खजाना है। करोड़पति बन सकते हो तुम रातों रात। भेंडी, ये क्या है? एक चार्ली आने वाला है कि लाखों चार्ली आने वाले हैं? अंडे ब्रो, कितने ज्यादा अंडे हैं ये, इतने ज्यादा चार्ली जन्म लेंगे क्या यहाँ पे? चूचू चार्ली टू दोस्तों, अब हम सीधा मिलेंगे चूचू चार्ली टू में, क्योंकि चूचू चार्ली टू अभी मेरे को बहुत ज्यादा खेलने का मन कर रहा है, बट अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तब खेलेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना, अच्छा सा कमेंट करके जाना। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, मिलते हैं।